डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हमने ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बॉन्ड जो है वो उसकी क्या पोजीशन है, मतलब बॉन्ड में कोई पोलैरिटी है, क्या है, रिएक्टिव है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या नहीं। ठीक है, अब अगर हम देखें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये देखो बॉन्ड जो है ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो बॉन्ड किसके दरमियान है, चलिए मैं खोल के लिखती हूँ ताकि आप लोगों को सही क्लियर हो। ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है CH3, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ए। अब अगर हम कार्बन के और मैग्नीशियम की बॉन्ड की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन आपके पास जो है क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बिटवीन कार्बन और मैग्नीशियम की, ये क्लोजर हो जाती है टुवर्ड्स द कार्बन। ठीक है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोज हो जाता है कार्बन की तरफ, उसकी वजह से कार्बन आपके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हेयर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है, जब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो इट्स मीन के कार्बन जो है इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आपके पास कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है, मतलब ये है कि कार्बन किसी भी ऐसे सेंटर पे अटैक कर सकता है जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। क्या है कि कार्बन कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है, तो कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो आपका क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, जिसमें आपका कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा किसी भी कार्बोकैटायन पे, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें दो टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होंगे, एक तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप केमिकल रिएक्शन कराओगे इससे और दूसरे का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाओगे तो उसमें कार्बन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है। दैट्स इनफ।